हेलो दोस्तों, उत्तीर्ण एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्री की एक और टाइप, यानी आज हम जो टाइप पढ़ने वाले हैं उसके क्वेश्चंस हर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में देखे जाते हैं। एसएससी, रेलवे, जो भी, मतलब जिनमें भी ट्रिगोनोमेट्री आती है, जिन कंपटीशन के एग्जामों में ट्रिगोनोमेट्री आती है, उन सभी में ये टाइप देखी जाती है और बहुत बार देखी जाती है। और कुछ भी नहीं है, बिल्कुल इजी टाइप है, बस लोग क्या है इसको पढ़ते नहीं हैं, इससे दूर भागते हैं। बाकी ये जो टाइप है ये बहुत सिंपल टाइप है और काफ़ी बार ये एग्ज़ामों में देखी जाती है और बिल्कुल सिंपल है। एक बार आपके बस कंसेप्ट क्लियर हो जाए तो मैं आपके कंसेप्ट क्लियर करूँगा। देखिए, सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ कि ये टाइप है क्या, किस तरीके के क्वेश्चन इसमें आते हैं। तो पहले मैं उस चीज़ का एक बार आपको प्रूफ दिखाता हूँ। देखो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर वन होता है, ये आपने पढ़ा होगा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है? वन। ये फॉर्मूला हम सब ने पढ़ा है। इसी फॉर्मूले से देखो क्या बनता है। देखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का इसमें फॉर्मूला लग रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी, यानी सेक थीटा प्लस टेन थीटा। और ए माइनस बी यानी सेक थीटा माइनस टेन थीटा और बराबर कितना है? वन। ठीक है, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है ए प्लस बी, ए माइनस बी और बराबर में कितना लिखा है? वन। अब मैं आप यहाँ एक काम कर सकता हूँ, सेक थीटा माइनस टेन थीटा को तो इधर रख लेता हूँ मैं, और इसको मैं ले जाता हूँ भाग में, यानी वन अपॉन में सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो यहाँ से आप चीज़ समझ गए होंगे। देखो, हमने क्या किया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला वन होता है, कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है वन, ये फॉर्मूला हम जानते हैं। इसी फॉर्मूले से मैं कोई चीज़ निकाल के आपको समझा रहा हूँ। तो देखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र लगाया ए प्लस बी, ए माइनस बी इक्वल टू वन, और फिर मैं इसको ले गया वन के अपॉन में, यानी सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? वन अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा। यानी इसका सीधा सीधा अर्थ ये है कि अगर सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू तीन है, अगर सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू तीन है तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू कितनी होगी? एक बटे तीन। समझो बच्चों, सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू अगर तीन दे रखा है क्वेश्चन में, कि भाई सेक थीटा प्लस टेन थीटा है तीन, तो बताओ सेक थीटा माइनस टेन थीटा कितना होगा? तो एक बटा तीन। और सुनो, सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू है ए, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा कितना होगा? वन अपॉन ए। ठीक है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू, अब उल्टा समझो, सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू अब दे रखी है दो, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा कितना होगा? एक बटे दो। मतलब ये है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा और सेक थीटा माइनस टेन थीटा और सेक थीटा प्लस टेन थीटा, इनकी वैल्यू हमेशा एक दूसरे की उल्टी आती है। सेक थीटा प्लस टेन थीटा और सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू हमेशा एक दूसरे की उल्टी आती है। मतलब अगर एक की वैल्यू दो है तो दूसरे की एक बटा दो, अगर एक की तीन है तो दूसरे की एक बटा तीन, एक की चार है तो दूसरे की एक बटा चार, इस तरह से है। अच्छा, फिर से मैं आपको एक और चीज़ पूछ रहा हूँ, सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू अगर पाँच बटा दो है तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू कितनी होगी? दो बटे पाँच। पाँच बटा दो का उल्टा दो बटे पाँच। तो इस तरह से मैं आपको सिखाना चाह रहा था और ये मैंने आपको इसका प्रूफ दिखा दिया। अगर मैं आपको डायरेक्ट बोलता कि रट लो आप इस चीज़ को कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा अगर तीन है तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा एक बटा तीन होगा, तो आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न होता कि यार ये कैसे रट ले, कैसे हुआ ये। तो मैंने आपको इसका प्रूफ दिखाया और यहाँ आपको पता चल रहा है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा और सेक थीटा माइनस टेन थीटा एक दूसरे के उल्टे होते हैं, व्युत्क्रम होते हैं। ठीक है, तो अब हम करते हैं इस पर आधारित क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं या आ सकते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन अपन करते हैं कि सेक ए प्लस टेन ए इक्वल टू ए है, सेक ए प्लस टेन ए इक्वल टू है ए।
सेके प्लस टेन ए कितना है ए, और क्वेश्चन पूछ रहा है कि कोस ए कितना आएगा, कोस ए की वैल्यू कितनी आएगी। और मैं चलो ऑप्शन भी लिख देता हूँ इसके, ए स्क्वायर प्लस वन अपॉन टू ए, टू ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस वन, ए स्क्वायर माइनस वन अपॉन टू ए, और टू ए अपॉन ए स्क्वायर माइनस वन। तो देखिए, देखो कोस पूछे, साइन पूछे, टेन पूछे, कुछ भी पूछे, मेथड एक ही है, तरीका एक ही है कि सेक ए प्लस टेन ए की वैल्यू अगर एक है तो आप लिख लो सेक ए माइनस टेन ए कितना होगा, ये लिख लो आप। सेक ए प्लस टेन ए की वैल्यू अगर ए है तो सेक ए माइनस टेन ए की वैल्यू होगी एक बटा ए। अभी अभी मैंने समझाया था दोस्तों, सेक ए प्लस टेन ए की वैल्यू अगर ए है तो सेक ए माइनस टेन ए की वैल्यू होती है एक बटा ए। अब आप क्या करो, दोनों समीकरणों को जोड़ दो, समीकरण एक समीकरण दो दोनों को जोड़ दो, तो देखो टेन ए और माइनस टेन ए कैंसिल हो जाएगा, सेक ए और सेक ए कितना हो जाएगा टू सेक ए, सेक और सेक कितना हो जाएगा टू सेक ए, और इधर ये दोनों एड हो जाएंगे यानी ए और वन अपोने दोनों जुड़ जाएंगे, ए प्लस वन अपोने। अब टू सेक ए, यहाँ पे ए एल सी एम आ जाएगा, और ए इंटू ए कितना होता है ए स्क्वायर प्लस वन, दो चला जाएगा डिवाइड में, और सेक ए इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस वन अपॉन टू ए, क्योंकि दो चला गया भाग में, तो सेक ए की वैल्यू आ गई ए स्क्वायर प्लस वन अपॉन टू ए। अच्छा, किसकी वैल्यू पूछ रहा है, कोस की, किसकी पूछ रहा है, कोस की। तो आपको पता होगा कि सेक का उल्टा होता है कोस, सेक की वैल्यू अगर दो है तो कोस की होती है एक बटा दो, सेक और कोस एक दूसरे के उल्टे होते हैं, क्योंकि आप जानते होंगे सेक बराबर होता है एक बटा कोस, या कोस बराबर होता है एक बटा सेक, तो इसलिए सेक की वैल्यू है ए स्क्वायर प्लस वन अपॉन टू ए, तो कोस की वैल्यू इसकी उल्टी हो जाएगी यानी टू ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस वन। तो कौन सा ऑप्शन आंसर आ रहा है, बी ऑप्शन आ रहा है, टू ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस वन। ये हमारा क्वेश्चन था और ये एसएससी सीजीएल मेंस में आया हुआ है 2016 में। तो इस तरह से है, बिल्कुल इजी है, मतलब आप सेक प्लस टेन अगर ए है तो सेक माइनस टेन वन अपॉन ए होगा, दोनों को जोड़ सकते हो। अच्छा, कई बार अगर टेन की वैल्यू पूछे तो दोनों को घटा भी सकते हैं, समीकरण एक में से समीकरण दो को घटा भी सकते हैं अगर टेन की वैल्यू पूछता है तो दोनों समीकरणों को हम जोड़ भी सकते हैं घटा भी सकते हैं, वो अपनी ज़रूरत के हिसाब से। अगला हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस, एक और करते हैं इस तरह का, अब हम एक और लेते हैं कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू है एम, सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू एम है तो पूछ रहा है साइन थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, क्वेश्चन पूछ रहा है साइन थीटा इक्वल टू कितना आएगा, और ऑप्शन है वन माइनस एम स्क्वायर अपॉन वन माइनस एम स्क्वायर अपॉन वन प्लस एम स्क्वायर, एक तो ये है ऑप्शन, दूसरा है एम स्क्वायर माइनस वन अपॉन एम स्क्वायर प्लस वन। दोस्तों आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो, और एम स्क्वायर प्लस वन अपॉन एम स्क्वायर माइनस वन, और वन प्लस एम स्क्वायर अपॉन वन माइनस एम स्क्वायर, ये चार ऑप्शन है। देखिए, सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू एम है तो आप क्या करो, सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू लिख लो, और वो होगी एक बटे एम। पता होगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा एम है तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा होगा एक बटे एम, दोनों को आप क्या कर दो, ऐड कर दो, समीकरण एक और समीकरण दो को ऐड कर दो, तो सेक थीटा और सेक थीटा हो गया टू सेक थीटा, सेक थीटा और सेक थीटा कितना हो गया टू सेक थीटा, और ये तो कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पे आ जाएगा एम प्लस वन अपॉन एम, और टू सेक थीटा इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस वन अपॉन एम, एल सी एम ले लिया,
दो चला जाएगा भाग में, तो सेक थीटा की वैल्यू आ जाएगी एम स्क्वायर प्लस वन अपॉन टू एम। अच्छा ये तो सेक थीटा है, एम स्क्वायर प्लस वन अपॉन टू एम, हमें क्या निकालना है साइन थीटा। देखो सेक थीटा दे रखा है, अगर कोस थीटा निकालना होता तो इसका उल्टा कर देते, लेकिन पूछ रहा है क्या साइन थीटा, साइन थीटा पूछ रहा है, तो आप क्या करो इसको राइट एंगल ट्रायंगल से ले लो, समकोण त्रिभुज से ले लो, कि सेक क्या होता है, सेक होता है कर्ण बटे आधार, सेक क्या होता है कर्ण बटे आधार, यानी कर्ण तो हो जाएगा एम स्क्वायर प्लस वन और आधार हो जाएगा 2m, यानी ये हो जाएगा और ये एंगल है थीटा, ठीक है। अच्छा आप देखो ऑप्शन से भी थोड़ा देख सकते हो, साइन क्या होता है लंब बटे करण होता है ना, साइन क्या होता है लंब बटे करण, और लंब ये है करण ये है, यानी अपॉन में m स्क्वायर प्लस वन आना चाहिए, तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, दो बच गए, दो ऑप्शन बचे हुए हैं, और मेरे हिसाब से इसमें देखते हैं शायद ये आना चाहिए मेरे हिसाब से, बाकी और सोल्व कर लेते हैं, लंब निकालना पड़ेगा, मतलब हमें लंब निकालना पड़ेगा, तो लंब निकाल लेते हैं। लंब कैसे निकलता है, लंब होता है करण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, यानी ऐसे कर लो करण का स्क्वायर मतलब एम स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर मतलब टू एम का स्क्वायर। करण का स्क्वायर करोगे देखो तो एम की घात चार प्लस टू एम स्क्वायर प्लस वन, माइनस टू एम का होल स्क्वायर करोगे तो ये आएगा चार एम स्क्वायर, और देखो ये आ गया एम की घात चार, टू एम स्क्वायर में से चार एम स्क्वायर गया तो माइनस का टू एम स्क्वायर प्लस वन, और ये हो जाएगा एम स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर। आप देखो इसको, ये एम स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, तो मतलब एम स्क्वायर माइनस वन आ जाएगा लंबे, क्योंकि देखो करण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर करने से लंब स्क्वायर आता है, यानी ये एम स्क्वायर माइनस वन हो जाएगा, ठीक है। तो और साइन क्या होता है लंब बटे करण, मतलब लंब बटे करण, यानी एम स्क्वायर माइनस वन बटे एम स्क्वायर प्लस वन, तो कौन सा ऑप्शन हो गया, ये हो गया इसका, इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। तो ये था एक क्वेश्चंस, तो इस तरह से निकालना है, मतलब देखो सेक प्लस टेन देगा वो, सेक माइनस टेन तुम निकाल लोगे वन अपॉन करके, दोनों समीकरणों को जोड़ देना और उससे सेक आ जाएगा, और अगर सेक आ गया तो फिर तो सब आ जाएंगे, या तो सेक पूछेगा या कोस पूछेगा, तो सेक पूछेगा तो आंसर आ ही गया, कोस पूछे तो उल्टा कर देना, और सेक और कोस के अलावा अगर कुछ पूछे तो समकोण त्रिभुज बना के जो लाल बट्टे कक्का मेथड होता है ना उससे आप कर सकते हो, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं इसी तरह का, एक और अच्छा ये जो हमने किया था ये भी एसएससी सीजीएल मेंस में आया हुआ है, वही 2016 के अंदर, एक और देखते हैं, खुद से ट्राई करो आप दोस्तों। सेक अल्फा प्लस टेन अल्फा की वैल्यू है दो, सेक अल्फा प्लस टेन अल्फा की वैल्यू दो है, पूछ रहे साइन अल्फा, ये तो वही क्वेश्चन हो गया, मतलब साइन अल्फा बताओ कितना आएगा, तो देखो थोड़ा स्पीड से करते हैं इसको। सेक अल्फा प्लस टेन अल्फा की वैल्यू दो है, तो सेक अल्फा माइनस टेन अल्फा की वैल्यू कितनी होगी, एक बटा दो, दोनों को जोड़ दो आप, सेक अल्फा और सेक अल्फा हो जाएगा टू सेक अल्फा, ये तो कैंसिल हो जाते हैं, और दो और एक बटा दो आपको पता होगा, दो और आधा होता है ढाई, मतलब पाँच बटे दो, तो सेक अल्फा हो जाएगा, दो को भाग में ले जाओ तो ये हो जाएगा पाँच बटे चार, और सेक अल्फा अगर पाँच बटे चार है तो कोस अल्फा हो जाएगा चार बटे पाँच, लेकिन ये साइन पूछ रहे हैं तो आप ऐसे करो समकोण त्रिभुज बनाओ, सेक होता है करण बटे आधार, मतलब करण देखो करण पाँच होगा आधार चार होगा, करण पाँच होगा आधार चार होगा, तो लंब हो जाएगा तीन, याद होगा तीन चार पाँच का जोड़ा याद होगा, साइन पूछ रहा है लंब बटे करण यानी तीन बटे पाँच। अच्छा कुछ भी पूछे, कुछ भी पूछे यहाँ से आप निकाल सकते हो, क्योंकि लाल बटे कक्का का मेथड आपको पता होगा। अब हम एक और टाइप करते हैं इसका, जैसे ये मैंने बताया आपको सेक प्लस टेन के लिए,
सेक प्लस टेन की वैल्यू अगर दो है तो सेक माइनस टेन होगा 1/2। सेम टू सेम यही चीज एक और जगह लगती है, कोसेक प्लस कोट में। देखो वो भी बताते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा कितना होता है? एक। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है? एक। फॉर्मूला है। इसी से मैं आपको एक चीज निकाल के बताता हूं जो हमने उससे निकाली थी। मतलब ये दो तरह से बन सकता है क्वेश्चन, सेक प्लस टेन दिया, सेक थीटा प्लस टेन दिया, एक तो ऐसे बन सकता है, या कोसेक थीटा प्लस कोट दिया, एक उससे भी बन सकता है। दोनों सेम चीजें हैं। देखिए कैसे, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला वन होता है, आंसर वन होता है इसका। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का लगाया फॉर्मूला, ए प्लस बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी, और बराबर कितना? वन लिखा हुआ है ना। मैंने क्या किया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र लगाया, सिर्फ ए प्लस बी ए माइनस बी और बराबर वन तो लिखा हुआ है ही। तो यहां से भी आप क्या करो, वही इसको डिवाइड में ले जाओ या इसको ले जाओ, किसी भी एक को लेके जाना है। तो मैं इसको ले जाता हूं, तो कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा बराबर आ जाएगा, इसको डिवाइड में ले जाओ, 1/2 कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा। यानी कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का फॉर्मूला होता है 1/2 कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा। यानी यहां भी वही बात हो गई कि अगर कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा का मान 2 है तो कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का मान कितना होगा? 1/2। कई एग्जामों में तो डायरेक्ट पूछा गया है, क्या पूछा गया है डायरेक्ट, कि कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा बराबर 3 है तो कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा कितना होगा? तो 1/3। कई बार ये पूछा गया है कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा बराबर है a, तो कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा कितना होगा? तो आंसर है 1/a। क्योंकि यहां से आप देख सकते हो कि ये दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं, रेसिप्रोकल है, यानी युतक्रम है एक दूसरे के। ये कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा और कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा एक दूसरे के क्या है? उल्टे हैं। अगर एक की वैल्यू 2 है तो दूसरे की 1/2, 3 है तो 1/3, 5 है तो 1/5। ठीक है, तो हम एक क्वेश्चन लेते हैं इस पे और इसको ढंग से समझने की कोशिश करते हैं। एक सवाल करते हैं इस पे। देखिए सवाल ये है कि कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा बराबर 7/2 है। कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा बराबर 7/2 है, तो हमें बताना है कि कोसेक थीटा का मान कितना होगा। ठीक, एग्जाम में आया हुआ है एसएससी में। तो देखिए कैसे करेंगे, कोसेक माइनस कोट अगर 7/2 है तो आप लिख लो कि कोसेक प्लस कोट कितना होगा, तो वो होगा 2/7, क्योंकि 7/2 का उल्टा यानी 2/7। अब आप क्या करो, दोनों इक्वेशन को जोड़ दो, दोनों समीकरणों को हम जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे। तो देखिए कोसेक थीटा और कोसेक थीटा को ऐड करेंगे तो 2 कोसेक थीटा हो जाएगा और माइनस कोट और प्लस कोट हो जाएगा कैंसिल, और यहां पे ऐड करना है 7/2 प्लस 2/7, तो 2 कोसेक थीटा इक्वल टू, देखो यहां एलसीएम लोगे, अगर 2 और 7 का एलसीएम लोगे तो आएगा 14, 2 से इसको डिवाइड किया 7 बार, 7 × 7 × 49 प्लस 7 से इसको डिवाइड करोगे 2 बार, 2 × 2 = 4, 2 कोसेक थीटा। अच्छा 2 को भी एक काम करो, अब डिवाइड में ले ही जाते हैं, 2 को ले जाओ इसके अपॉन में, तो कोसेक थीटा इक्वल टू 49 और 4 को अगर हम ऐड करेंगे तो ये आएगा 53 अपॉन, और ये 2 × 14 को गुणा करेंगे तो 28, तो कोसेक थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 53।
बटे 28, और ये कोसेक थीटा की ही पूछ रहा था, 53/28 इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा आप बताइए, अगर साइन थीटा की वैल्यू पूछता तो कितनी आती, तो साइन थीटा की वैल्यू आ जाती 28/53, क्योंकि कोसेक थीटा का उल्टा होता है साइन थीटा। अगर किसी और की पूछता तो वही राइट एंगल ट्रायंगल बना के, समकोण त्रिभुज बना के, वो लाल बटा कक्का वाला मेथड लगा देते। ठीक है दोस्तों, एक और सवाल लेते हैं हम और फिर इस टाइप को ख़त्म करते हैं। कोट ए प्लस कोसे के, कोट ए प्लस कोसे के बराबर 3 है, तो पूछ रहा है साइन ए कितना होगा, साइन ए की वैल्यू बताओ। यहाँ पे कई लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि वो क्या करेंगे, देखो कोट प्लस कोसेक 3 है, तो वो लोग क्या करेंगे, वो लिख देंगे कोट माइनस कोसेक 1/3 होगा। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। कोट प्लस कोसेक अगर 3 है तो कोट माइनस कोसेक 1/3 नहीं होता है। फॉर्मूले को ढंग से समझिए, फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला कोट प्लस कोसेक है ही नहीं, फॉर्मूला है कोसेक प्लस कोट। बिल्कुल ध्यान रखिए इसका, क्वेश्चन आपको कैसे भी दे सकता है, क्वेश्चन तो इसी तरह से दिया जाएगा कि आप गलत करो, वो तो यही चाहेंगे, क्योंकि और कंपटीशन का क्या मतलब है, वो तो यही चाहता है कि आप उसको गलत करो। तो कोसेक प्लस कोट हम लिख लेंगे, कोसेक प्लस कोट हम लिख लेंगे कि 3 है, कोसेक प्लस कोट कितना है 3। अब हम क्या करेंगे, कोसेक माइनस कोट लिख लेंगे 1/3, और फिर इन दोनों समीकरणों को जोड़ देंगे। तो कोसेक और कोसेक को जोड़ेंगे तो 2 कोसेक, और ये तो कैंसिल हो जाएगा, और 3 + 1/3 कर देंगे, तो 2 कोसेक इक्वल टू 3 × 3 = 9 और 1 = 10, तो यह आ गया 10/3, और 2 से 10 को डिवाइड कर देंगे 5 बार, तो 5/3 इसका आंसर आ जाएगा, यानी कोसेक आ जाएगा 5/3। कोसेक कितना आ जाएगा 5/3, और कोसेक अगर 5/3 है तो साइन कितना हो जाएगा 3/5, और साइन 3/5 है तो कोस हो जाएगा 4/5, मतलब सब चीज़ों की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चंस, ये हमारी टाइप थी, उम्मीद करता हूँ कि ये टाइप आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, और इसी तरह से इसमें क्वेश्चन पूछता है, इस टाइप के और ज़्यादा लेवल वेवल कुछ नहीं है। मैंने जैसे क्वेश्चन आपको कराए हैं बिल्कुल ऐसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, और ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुए हैं, तो बस इस तरह से आपको करना है। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी, और अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना है, लाइक तुरंत करना है, कमेंट करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है वीडियो को, और लोगों तक आपको वीडियो पहुँचाना है। ठीक है, धन्यवाद बच्चों।